प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। समूचे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन आज विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनको पूरा न करना एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से शासन चल रहा है, जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं, अपराध आसमान छू रहा है, इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थीं वो हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा रहा है और सरकार का मुझे लगता है कि ध्यान शासन करने में नहीं है, उनका सिर्फ विरोधियों को टारगेट करने का है, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने का है। और अभी केंद्र का बजट कल आया, केंद्र के बजट में जैसा राहुल जी ने कहा ये तो सरकार बचाओ बजट है और हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के लोगों से या आंध्र के लोगों से, लेकिन जिस प्रकार से बजट का आवंटन किया गया है, छत्तीसगढ़ में यहाँ 11 सीटें हैं लोकसभा के लिए, यहाँ भाजपा का बहुमत मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को इस बजट में क्या मिला ढूंढे नहीं मिलता है। तो इस बजट से भी ना तो महंगाई कम होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार हर तरह नाकाम हो चुकी है। सिर्फ बयानबाजी ये लोग करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के नेता, लेकिन जो इन्होंने बहुमत लेने के लिए आश्वासन जनता को दिए थे महंगाई के, रोजगार के, शासन के, लॉ एंड ऑर्डर के, गवर्नेंस के, वो सब दूर दूर तक पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। और हम लोग जब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, अगर लोकतंत्र में धरना करना, प्रदर्शन करना, रैलियां करना, ये हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होने के नाते। लोगों को आने से रोका जा रहा है, बाधाएं बनाई जा रही हैं, प्रदर्शन करने से रोका जाता है, लोगों को डिटेन किया जाता है, फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, क्या युवक कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों को टारगेट किया जाता है। सरकार दमनकारी नीति का उपयोग कर रही है जिसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन आज का हमारा जो घेराव होगा तमाम प्रदेश के नेता इसमें शामिल होंगे और हम सब एकजुटता से जनता की आवाज को मुखर करेंगे। ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उन मांगों को लेकर सरकार की नींद खोलना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद उम्मीद करता हूं सरकार सचेत रहेगी और जो शेष इनका समय बचा है शासन करने का वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम करेगा। प्रदर्शन होती है आमतौर पर 3-3.5 साल बाद देखने मिलते हैं, 6 महीने में आप लोगों को प्रदर्शन क्यों सकता है ऐसी क्या? हमको भाई कोई शौक थोड़ी ना है, हम लोग जब देखते हैं त्राही त्राही हो रही है, हर तरह आप रोज घटना होती हैं, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं, मारकाट हो रही है, अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं और शासन का सिर्फ आश्वासन देने का काम थोड़ा ना होता है, तो कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करें, लोगों के जहन में को विश्वास पैदा करें और रोजगार की बात हो, फसल खरीद की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल है मुझे लगता है। और आप सही कह रहे हैं, आमतौर पर 1-3 साल के बाद सरकार की एंटी इनकमबेंसी स्थापित होती है, लेकिन इस सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है, चुनाव जीतने के तुरंत बाद दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि यहाँ का जो शासन है वो रायपुर से नहीं चल रहा है, वो दिल्ली से चल रहा है। यहाँ पर प्रदेश के स्तर पर कोई निर्णय लिए नहीं जाते हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, तो हमारी पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर सक्रिय रूप से, और हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं, हम सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जनता आज वंचित है उनको लेकर बात उठा रहे हैं, नौजवानों की बात को उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएगी, ऐसा मानता हूं। सर, जेपी नड्डा आज के नेता प्रदर्शन करने वाले हैं।